और जिन लोगों को लगता है ना पीसी से खेलना बहुत इजी पड़ता है, तो भाई एक काम करो, पीसी से खेलो, 10 का केडी 12 का केडी मेंटेन करो, कॉन्करर बनो, एशिया में आओ, उसके बाद खेलो, देखते हैं। We will be taking off soon. Be prepared. नहीं आजकल बहुत रैंड चला रहे हैं ना ये, क्या बोलो फैमिली स्ट्रीम में तो बहुत बोल रहा हूँ। अबे खेलो मिनेटर से भाई, खेलो हमारे कस्टम में आओ, हमारे अगेंस्ट में खेलो, फिर देखते हैं। बहुत बोलते भाई नो स्किल, स्किल नहीं लगता, चल ठीक है स्किल नहीं लगता तो भाई खेलो, इतना ही अगर तुमको स्किल नहीं लगता है तो भाई खेलो हमारे अगेंस्ट में, पीसी से आओ, पीसी में डाउनलोड करो, तुम्हारे एमुलेटर डालो, पीसी में खेलो, आ जाओ अगेंस्ट में, देखते हैं। अबे लंड फर्क नहीं पड़ता, जो ये भोगते ना मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता इनसे, इनके भोगने से मैं पीछे नहीं होने वाला, जितने भोग रहे ना ये तब नहीं भोगते थे जब मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 थे, 2000 थे, 3000 थे, जब पबजी मोबाइल खेलता था तब ये लोग भोगते नहीं थे, जब हम लोग ने कहा बहुत आगे निकल गया ना इन लोगों से, इनको वॉचिंग नहीं मिलती, इन लोगों को सुपर चैट नहीं मिलती, इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये रोते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज को रंडी रोना कहते हैं हम लोग मुंबई में। उनकी चार्ट चार्ट के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते थे, इसकी चार्ट हो उसकी चार्ट हो, मैं तो अपने दम पे खड़ा हुआ ना, अपने चैनल को अपने दम पे खड़ा किया हूँ, तब क्यों नहीं हुआ, तब क्यों वीडियो नहीं बनाया लोगों ने, डायनो वर्सेस ये डायनो वर्सेस वो। हाँ भाई हम लोग पहुंच गए 9 लाख तक पहुंच गए, 8 लाख तक पहुंच गए, तब इनकी गांड चल रही है यार, हम नहीं पहुंच पाए, ये कैसे पहुंच गया, मैचो जलो मत, बराबरी करो, जलोगे ना तुम घंटा आगे नहीं पहुंच पाओगे, बराबरी करोगे कम से कम एक सेकंड तो आगे बढ़ोगे मैं से। डायरो चल रहा है, आ रहा हूं मैं, देखो चल डोंट बी एंग्री आई लव यू, अरे भाई मैं एंग्री अभी तो इनके एंगर का एक परसेंट देखा नहीं है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज पता है उन लोग की बातें सुन के बहुत सारे लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो बहुत गंदी चीज है गाइस, बहुत गंदी चीज है, किसी का सुन के मत ये करो, और ये जो जितने भोक रहे ना ये लोग पहले खुद पबजी मोबाइल खेलते थे, चला मेरे को यहाँ छोड़ दो, चले रख, भाई डरते किसी के बाप से नहीं है, कोई अगर कोई इंसान कोई एक वीडियो पूरा यूट्यूब पे कोई एक वीडियो दिखा दो मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ, किसी का सपोर्ट लेके खेलता हूँ, या मैंने कभी लिखा है प्लेइंग विद ये यूट्यूबर प्लेइंग विद वो यूट्यूबर और अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ, घंटा 1 सब्सक्राइबर से लेके 9 लाख तक अकेला खेला हूँ, अकेला जी ब्रो, एक क्विक क्लीन शॉट आउट प्लीज, शॉट आउट टू मॉन्स्टर शानू, थैंक यू सो मच शानू, मेरे बचपन के दोस्त का नाम है तो मुझे उससे याद आ गया, ईगो कम कर, अबे तूने भी तो मेरा ईगो देखा नहीं है, ईगो एटीट्यूड उन लोगों के लिए जिनकी बात दिमाग में जाती नहीं है, उन लोग के लिए नहीं जो मेरे को बहुत स्टार्टिंग सपोर्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली सिर्फ गेम प्ले देखते हैं, जिनको पता है इम्यूनिटी के अगेंस्ट में इम्यूनिटर ही आते हैं, ऐसे छूतों के लिए नहीं जो ये कहते हैं भाई मोबाइल वाले को मार पाए, ऐसे छूतों के लिए एडिटोरी को हमेशा रहेगा मेरे पास, अब और राखी समझ तो चुप कर बे, कैसा सो मजा आ रहा है, वहां लूट रहा था इसलिए तो मैं इधर आया, I'm grateful, I'm thankful कि आप पूरी बहुत चीजें भी सीख सकते हो स्ट्रीम में, हाँ इसको ट्रैक करो, एक सेकंड इसको ट्रैक करो, क्या नाम है इसका, गेम क्रैश हो गया, एक सेकंड का गेम क्रैश हो गया, डाउन डाउन डायनो, हाथी चले बाजार कुत्ते भोगे हजार, we love you, keep playing and making us happy, पट्ट सेशन 5200 ये भी आ गई, थैंक यू सो मच अमोक,
इंसुलॉट मैन, इंसुलॉट चलेगा, गेम स्टार्ट हो गया यार। ये अपडेट के बाद इम्यूलेटर बहुत ही गंदा हो गया, बहुत लॉबी लैग होता है। लव यू फ्रॉम 300 के सब्स, थैंक यू सो मच क्लैशिंग विद जतिन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। चिल फिल, अपन चिल है ब्रो, अपन चिल है। ये जो भोक रहे ना, ये नहीं समझते कि भाई हम 500-600 बंदों के सामने कुछ कहते हैं तो इतना बोलूँ, कुछ आके बोलते या कुछ चीजें करते, वीडियो बनाते, वो लोग ये नहीं समझते। तो ये समझना चाहिए, जिस दिन मैंने बोल दिया, ये 30-35 हज़ार लोगों के सामने अगर मैंने बोल दिया ना कि ये करो वो करो जाके, भाई गांड मर जाएंगे इनकी, ये समझो। नफरत नफरत मत करो यार किसी से, चलो मत, बराबरी करो। चलने में मजा नहीं है, बराबरी करने मजा है। तुम मेरे को टक्कर दो, मेरे को अच्छा लगेगा कि कॉम्पिटिटर है मेरे अगेंस्ट में, जलोंगे भाई, क्या फायदा यार, फायदा नहीं है। जबकि तुम लोग जानते हो इम्यूनेटर से खेलते हैं, अगेंस्ट इम्यूनेटर वाले बंदे आते हैं, उसके बाद भी बाथरूम से लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि यार पीसी वाले बंदे मोबाइल को मारते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। 0.5 अपडेट में स्पेशली लिखा हुआ है कि इम्यूनेटर वाले बंदे इम्यूनेटर को मानते हैं। भाई टेंसेंट ने खुद अपने मुंह से भोका है, ऑफिशियल इम्यूनेटर लिख के आता है, चालू करते हुए लिखा, सीधा चालू करते हुए लिखा आता है कि भाई तुम इम्यूलेटर से खेल रहे हो, इम्यूलेटर खुद ही ने क्यों बना है, हाँ तुम इम्यूलेटर से खेल रहे हो, तुम्हारे अगेंस्ट इम्यूलेटर वाले बंदे आएंगे, वो खुद लिखा आता है। उसके बाद भी भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों का। तो भाई इतना गांड में था मैं ना डिस्कॉर्ड पे, मैं चलो बैठा रहता हूं यार, ओके सब भाई जिस दिन बोलोगे उस दिन डिस्कॉर्ड पे आके बात करूंगा। मेरा लैग मारा, गाड़ी आ रही है क्या? मेरा भी कुछ तो आ रहा है, सामने से आ रहा है। मेरे पास एक 3x है, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक कॉल आ रहा है, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं। बंदा आया मैं फोन पे हूं, वो बंदा दिख गया मुझे, मत मार, आई थिंक मिलना है। एक गोली में मर गया, हाइपर नहीं हो रहा हूँ, मैं तो जस्ट बातें कर रहा हूँ अपनी पब्लिक से, हाइपर नहीं हो रहा हूँ। लेकिन भाई ये गन वाले बंदे हैं, अब वो मेरे को मारेंगे, मेरी आवाज ही ऐसी, मैं लगता हूँ गुस्से में, लेकिन मेरी आवाज नहीं है, तो टेंशन मत ले, चल मैं स्विच कर रहा हूं, ठीक है? क्या बनती दे रही? हां वो तो उधर है। हेलो ब्रो, हेलो ब्रो बोलो। अरे इसको राइट दे दो, अरे डर में उधर है। प्रतीक थैंक यू सो मच फॉर स्कॉन ने करी, हिटलर आर्मी कसम ले प्रिय ब्रो। आशुतोष मिश्रा थैंक यू सो मच फॉर गाइस, कैन गिव हैशटैग प्रतीक एंड हैशटैग आशुतोष इन द चैट प्लीज। मैं गाड़ी में बैठा हूं गाइस, बहुत ही कह रहा हूं तो भी क्यों हो रहा है, इसका कॉल था, अबे फैमिली मेंबर का था, मेरी फैमिली भी स्ट्रीम देखती है, तो उनको पता नहीं, उनको लग रहा है कि मैं किसी का दुश्मन बता रहा हूं। कौन है लोग? तेरे हेलो, ये है वो बंदा। हाय ब्रो, यू आर अ बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। तू पीसी पे खेल के हवा करता है बे, मोबाइल में आ। मेरे को एक बात है ध्रुव, तेको क्या लगता है पीसी पे खेलना इजी है? तू पीसी में आ जा ब्रो, पीसी में आ जा, मैंने कभी मना किया तुम लोग को पीसी में खेलने के लिए? मैं पीसी में खेल रहा हूँ, मैं एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सामने वाले बंदे एंजॉय कर रहे हैं, 50,000, 30,000, 20,000 लोग देख रहे हैं, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है ये बता, मैं प्रॉब्लम क्या है, पीसी से मैं खेल रहा हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? तू आके मेरे घर का लाइट बिल भर रहा है क्या, या तू आके मेरे घर का वाईफाई बिल भर रहा है, क्या कर रहा है तू बता, तू ऐसा क्या कर रहा है जो देखो प्रॉब्लम हो रही है?
बिल्कुल यार, अपने अपने काम धंधे करो भाई, अपने काम धंधे करो। उंगली करोगे तो भाई टूट जाएगा, मत करो। इतना तुमको करना है ना भाई, तुम पबजी पीसी खेलो, पबजी मोबाइल खेलो, जो खेलना है खेलो यार। मैं मेरा काम करो, तुम अपना काम करो। एटलीस्ट 2019 ढंग से शुरुआत करो, अपने माँ का नाम रोशन करो। ऐसे बकचोदी मत फैलाओ, हेट मत फैलाओ, हेट फैला के कोई फायदा नहीं है ब्रो। सीरियसली जो करू मेरी मर्जी ब्रो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम जितनी हेट फैला लो तुम मेरे को नहीं रोक सकते हो, तुम कुछ भी कर लो। मैं आज 1 मिलियन तक पहुंचा दिया, वो अपनी पब्लिक है सब, सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इसलिए 1 मिलियन पे आज बैठा हूँ। मैं अकेले ने कुछ नहीं किया, तो तुम लोग जितना भी भोगोगे ना फर्क नहीं पड़ता है ब्रो, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। मैं पीछे नहीं रुकने वाला ना, पीछे मैं हटने वाला हूँ। तो तुम मेरा घंटा उखाड़ नहीं सकते कुछ। सिंपल, एकदम सिंपल, अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल एंग्री नहीं हूँ किसी पे भी। बस इतना है कि भाई 2019 एक अच्छी शुरुआत करो। तुमको जिस पे लगता है उस पे खेलो, मोबाइल पे खेलो, पीसी पे खेलो, जिस पे खेलना है खेलो। एटलीस्ट 2018 की चीजें 2019 में क्या कहते हैं उसको, ये मत करो यार, वापस से वही सब स्टार्ट मत करो। हाँ हम जवाब देंगे ना, एक पिन का सारा जवाब देंगे, सारा कुछ हम जवाब देंगे, तुम लोगों को सब कुछ जवाब देंगे। देखो कैसे जवाब देंगे, एक पिन का तुम सारा जवाब है मेरे पास, सब कुछ है जवाब। सारी जिंदगी में तुम लोग कभी भी लूडो या फिर जैसे मैं बताता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ क्या है, क्या है गेम, क्या है समझा। फुटबॉल खेलते हो, फीफा खेलते हो? मैं भी ठीक हूँ यार, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ विशाल। जॉयस्टिक में खेलते हो, PS4 में, कंप्यूटर में, फीफा खेलते हो? राइट डेको बे के बाजी अगर... आ रही थी। अच्छा नहीं आ रही थी क्या? सुनो अब मैं समझाता हूँ, सुनो। हैप्पी न्यू ईयर प्रसन्ना डिजाइन, कि अगर फुटबॉल वाला आकर तुमको बोलो कि काहे बे फीफा काहे खेल रहे हो, एक चीज है पहले कंप्यूटर में। बोट भी अच्छा हेडफोन है, BOAT बोट का, बोट पे कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें अंडर 1000 कि फीफा क्यों खेलते हो कंप्यूटर। अब तो फीफा भी बंद कर रहे हैं क्योंकि रियल गेम है, वो पैरों से खेलने वाला है, समझ रहे हो? तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि जो जिस चीज में अवेलेबल है वही गेम है। अगर कोई चीज मोबाइल में अवेलेबल है तो मोबाइल का गेम है, कोई चीज अगर एमुलेटर में अवेलेबल है तो एमुलेटर का गेम है, समझ रहे हो मेरी बात? अरे उतना समझता तुमसे ही क्वेश्चन करता कैसे? हाँ देखो यही प्रॉब्लम है भाई, समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल वालों को खराब बोल रहा हूँ या एमुलेटर वालों को अच्छा बोल रहा हूँ, एमुलेटर वालों को खराब बोल रहा हूँ। थोड़ा सा भेजा में ये बात जाना पड़ेगा तुम लोगों को अंदर, कि जो तुमको सिखा रहा है ना ये सब बोलने के लिए, वो क्यों सिखा रहा है, उसका रीजन क्या है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो तुमको सिखाया है ये कि मोबाइल वाले को मोबाइल गेम खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है कि एक एमुलेटर वाला 1 लाख की वॉचिंग ले जा रहा है। यही है जड़ है इन सब कंट्रोवर्सी का, जड़ है डायनामो की वॉचिंग। डायनामो की वॉचिंग जब कम आती थी तब कोई नहीं पूछता था कि कौन किस में क्या खेल रहा है, लेकिन बंदे में टैलेंट था, बंदे में कैपेसिटी थी, बंदा निकल गया आगे तो लोगों को सुलग गई। यही प्रॉब्लम है भाई। अब बात समझो तुम, आज से 6 महीने पहले जब डायनामो की वॉचिंग 10,000 चलती थी, 5,000 चलती थी, या आज से 1 साल के पहले जब डायनामो की वॉचिंग 50 और 100 चलती थी, तब ये प्रॉब्लम थी क्या? तब भी तो लोग एमुलेटर से खेल रहे थे, नहीं अचानक से क्यों उभर के आई ये प्रॉब्लम? हाँ मैं विशाल क्या बता रहा था, समझ रहे हो मेरी बात भाई? तो किसी भी पब्लिक को, किसी भी आदमी को किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोचो जरा कि टेंसेंट गेमिंग एमुलेटर जो है वो बनाया है टेंसेंट वालों ने, हमारे बाबूजी ने तो नहीं बनाया, कि हम हमारे बाबूजी ने बनाया रहे, हम प्रचार कर रहे हैं, टेंसेंट वालों ने बनाया। टेंसेंट वालों ने क्यों बनाया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि एमुलेटर वाले जो लोग थे, सॉरी जो मोबाइल वाले लोग थे, वो 10 घंटे लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, लिख के ले लो, गर्म हो जाता है मोबाइल। उनमें से कोई भी सेलेक्ट करना, वो नियर अबाउट साउंड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? देखो क्या होता है साउंड का प्रॉब्लम होता है। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि साउंड का प्रॉब्लम प्लस मोबाइल गर्म होने का प्रॉब्लम, तो 10 घंटे नहीं, समझा रहा हूँ। देखो तुमने अच्छे से मेरे से बात की ना, इसलिए मेरी कोई ईगो नहीं हुआ। मैं किसी भी चीज से हट नहीं होता। आईफोन से कर, आईपैड से कर, इतना बड़ा टीवी ले ले उसमें कर, मोबाइल गेम है क्यों करें आईपैड से हम, और क्यों करें आईफोन से?
सबको आईफोन खरीदने की हैसियत होती है क्या? नहीं होती ना। सुनो समझा रहा हूँ, जो बात समझा रहा हूँ सुनो, साउंड की प्रॉब्लम होती है, साउंड की प्रॉब्लम के बाद मोबाइल बहुत गर्म होता है 10 घंटे, मैं 12 घंटे स्ट्रीम करता हूँ, 12 घंटे कोई मोबाइल में स्ट्रीम कर सकता है क्या इतने छोटे से स्क्रीन में ऐसे देख के? नहीं कर सकता ना। दूसरी प्रॉब्लम, अभी ये चीज तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि एमुलेटर टेंसेंट वालों ने बनाया है, जिसने मोबाइल पबजी बनाया है उसी ने एमुलेटर बनाया है, ऑफिशियल लोगों ने। अगर हम कोई दूसरा थर्ड पार्टी ब्लू स्टैक यूज कर रहे होते और जबरदस्ती इस गेम को खेल रहे होते, टेंसेंट वाले बोल रहे होते कि मत खेलो यार, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि क्लैश ऑफ क्लैन अगर ब्लू स्टैक में खेलो तो उनको प्रॉब्लम होती थी, मना करते थे मत खेलो क्योंकि उसमें आसान होता है। कोई भी गेम खेलने के लिए फ्री है। अगर कोई लूडो खेल रहा है मोबाइल में तो तुम जाके बोलोगे अबे फिजिकल गेम है लूडो, तुम साले मोबाइल में काहे खेल रहे हो अबे ये तो लूडो वो वाला है, बोर्ड लाओ और लूडो खेलो, समझो मेरी बात, तो तुम बोलोगे उसको गलत, लूडो जो खेलते हैं मोबाइल में नहीं बोलोगे ना। तो लॉजिक यही है यहां पर कि जो चीज जहां अवेलेबल है वहां खेलने का लोगों को पूरा अधिकार है। हाँ, अब मैं बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, कि मोबाइल वाले प्लेयर आ जाते हैं अगेंस्ट एमुलेटर के, ये प्रॉब्लम होती है, अनफेयर बोलते हो। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि मत खेलो एमुलेटर वालों, 4 एमुलेटर के प्लेयर कभी भी मोबाइल के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। 4 की अगर टीम बनी है, अगर तुम किसी टीम अप कर रहे हो किसी एमुलेटर के साथ तब आएंगे लोग, समझ रहे हो बात? तो बात समझो तुम, हम देखो समझो, नॉनसेंस बात है, ये नॉनसेंस बात है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये नॉनसेंस है। टेंसेंट वालों ने एमुलेटर बनाया वो नॉनसेंस है। तो भाई भाई तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही बता दो कि क्या करें हम, तुम हमें सिखाओगे कि हमें किस में गेम खेलना चाहिए? तो हम तुम्हें बताते हैं कि धोती पहनो बे, फुल पैंट और पैंट शर्ट क्यों पहनते हो, तो अंग्रेजों का है, हमारा तो है भी नहीं। तो लॉजिक देने लगोगे तो इधर से उधर बात चली जाएगी, धोती पहनो ना, इंडियन हम लोग धोती पहनते थे पहले, पहनते हो क्या तुम धोती? तुम्हारे पिताजी धोती पहनते हैं क्या? नहीं पहनते ना। तो नई चीज अडेप्ट करते हैं लोग, टेंसेंट का एमुलेटर बाद में आया तो लोग अडेप्ट कर रहे हैं, जिनके पास है पीसी वो पीसी में खेलते हैं, मोस्टली स्ट्रीमर्स इसलिए खेलते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है स्ट्रीम करना पीसी में। अब समझो बात को, मोबाइल में स्ट्रीम करना इज वे टू डिफिकल्ट। तुमने मॉडल की क्वालिटी देखी है स्ट्रीम की, और मेरी क्वालिटी देखी है, डिफरेंस है, इसका रीजन यही है कि मोबाइल से क्वालिटी गेन करना बहुत मुश्किल है। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, मॉडल का गेम प्ले देखा है, मेरे से बहुत अच्छा है मॉडल, मेरे से बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन उसकी क्वालिटी स्ट्रीम की अच्छी नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो अगर मेरे पास सुविधा अवेलेबल है, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं पीसी में खेल पाऊं, मैं खेलूंगा, हमारी क्यों सुलग रही भाई, समझाओ मेरे को। तब तो मैं बोलूंगा कि तलवार वाले जितने भी हम, मैं तो बोलूंगा कि गन वाला क्यों कर रहे हो, यहां पर गेम के खेलो, जाओ लड़ लो बॉर्डर पे, ये क्या बात हुई भाई, अरे वाले यार। अरे एथेना को देख ले मोबाइल से, इसको मैं ऐसा थोड़े बोल रहा हूँ कि जो मोबाइल से करते हैं स्ट्रीम में बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये समझाओ कि एमुलेटर वालों से क्यों सुलगती है वॉचिंग के चलते। अभी ये नया, जैसे ही डायनामो ने ब्रेक किया रिकॉर्ड, 84,000 उसके 82,000 वॉचिंग आ गई, जैसे ही डायनामो का ये सीन हुआ कि सारे रिकॉर्ड टूट गए इंडिया के, ऐसे ही लोगों को बुरा लगने लगा। क्यों बुरा लगता है किसी के सक्सेस से? क्यों बुरा लगता है? नहीं लगना चाहिए। अगर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, तो उसका इतना बड़ा पार्ट है पबजी मोबाइल, और इतना बड़ा पार्ट है पबजी पीसी, है ना, और उस छोटे से पबजी मोबाइल के दो पार्ट हैं, एक पबजी मोबाइल जो मोबाइल में खेलते हैं, उसका और छोटा पार्ट है पबजी जो एमुलेटर में खेलते हैं, नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग ऑन दैट मैं बता रहा हूं। तो ये जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है इतना बड़ा, इसमें सिर्फ पबजी नहीं आता है भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि पबजी पीसी वाले लोग ऐसे हैं, पबजी मोबाइल वाले, बहुत सारे गेम आते हैं, बहुत लोग चेस खेलते हैं ऑनलाइन, पता है तुम्हें? तो मैं तो बोलूंगा कि भाई ऑनलाइन क्यों चेस खेलते हो, बोर्ड लाओ बोर्ड में खेलो, सारे कैमरा लगाओ ऊपर से, ऐसे बोर्ड दिखाओ, गलत हो जाएगा ना भाई। लूडो क्यों खेल रहे हो तुम, गजब हाल है यार मोबाइल में, मोबाइल का गेम है नहीं लूडो, फिजिकल गेम है। फीफा क्यों खेल रहे हो, अबे बनाया है इसलिए खेल रहे हैं।
बिल्कुल अभिषेक चौहान आपकी बात बिल्कुल सही है कि फोन में खेलने के लिए भी स्किल चाहिए और पीसी में खेलने के लिए चाहिए। मान लो तुम सोचते हो कि एमुलेटर में खेलने के लिए स्किल्स नहीं चाहिए, तब तो मैं तुमसे ज्यादा चालाक हुआ ना कि मेरे को कम स्किल्स लगा के भी अच्छा गेम प्ले खेलने को मिल रहा है। तो तुम तो मूर्ख हुए ना कि जबरदस्ती आदमी मशीन काहे बनाया है लोग जिंदगी आसान करने के लिए, जिंदगी डिफिकल्ट करने के लिए। बताओ जबरदस्ती डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो जिंदगी? अगर एमुलेटर इतना ही आसान तो खेल लो एमुलेटर, काहे मोबाइल में जिंदगी हराम कर रहे हो? खेल लो एमुलेटर, आसान पड़ेगा ना भाई, मजे के लिए गेम खेलते हो, खेलो ना भाई, क्या दिक्कत है? समझो मेरी बात, फिर मैं समझा रहा हूं। किसी दूसरे की बात पर मत जाओ। कोई तुम्हें कुछ सिखा रहा है तो मत जाओ, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई हो। अपना दिमाग यूज करो, जिंदगी में अपना दिमाग नहीं यूज करोगे तो लोग चूतिया बना के निकल जाएंगे तुम्हें। आज तुमको ये सिखाएगा उसके लिए लड़ रहा है साला तुम एमुलेटर वाला, कल तुमको साला एमुलेटर के लिए तुमको पबजी पीसी के लिए भड़का देगा तो तुम्हारा है साला पबजी पीसी वाला। ऐसे ही करते रह जाओगे। अपना दिमाग लगाओ कि कहां गलती है, क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुमने खराब बात नहीं बोली, अच्छे से तुमने मेरे से पूछा, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ रहे हो भाई? और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर लोगों को नहीं पसंद है तो ससुर 1,00,000 वॉचिंग जा कैसे रही है? मेरे को समझाओ। अभिषेक चौहान बोल रहे हैं कि मैं पबजी मोबाइल दोनों पे खेलता हूं, एमुलेटर इसी किधर से है भाई, मेरे को बताओ। जिसको बिलीव ना हो एक बार खेल के देख ले। कौन समझा है मेरे भाई ये बात? नहीं बहुत आसान है साला, बिल्कुल स्किल नहीं चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? लूडो खेलने में स्किल चाहिए क्या? लक का बात है ना, 6 आया निकल गया, 6 नहीं आया तो अंदर रह गए। काहे खेलते हैं लूडो? तो तुम तो खेलवे मत करो लूडो साला, स्किल नहीं चाहिए उसमें, समझ रहे हो बात को? गेम गेम होता है, उसको यहां पर मत रखो, समझा? जरूरत से ज्यादा उसको नहीं देना चाहिए भाव, इसी में भी खेलने दो। अरे कोई एमुलेटर खेला मेरे बाप का क्या जा रहा है, कोई मोबाइल खेला मेरे बाप का क्या जा रहा है, हमको जहां मन करेगा हम वहां खेलेंगे। इतना लफड़ा काहे का है भाई? यस मोबाइल पे भाई, मोबाइल पे खेलना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। 10 घंटे तुम नहीं खेल सकते, आंख दर्द हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। मैंने खेला क्या? मैंने क्या एमुलेटर पर ही स्टार्ट की थी क्या अपनी स्ट्रीम? हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए सर, हमारे 750 से 800 वीडियोस बने हुए हैं, कम से कम आपको 100 वीडियोस में मिल जाएंगे जिसमें मैं मोबाइल पर ही खेलता था। यानी जिंदगी में तकलीफ झेली है मोबाइल से खेलने, बहुत दिक्कत है, खेलना इज गुड, साला स्ट्रीम करने में बहुत दिक्कत होता है, समझ रहे हो बात को? भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि मैं बंदे दिखा दूंगा, ये जो बोलते हो ना कि मोबाइल, मैं तो मान रहा हूँ मोबाइल में ऐसा नहीं है, मोबाइल वाले अच्छा नहीं, मेरे साथ पायलट खेलता है हमेशा, मेरे से अच्छा खेलता है मोबाइल में, खेलता है वो, खेलता है मेरे साथ पायलट हमेशा, मेरे से ज़्यादा अच्छा खेलता है, इज ए बेटर प्लेयर देन मी। वाई? मोबाइल से खेलता है, मैं पीसी से खेलता हूँ, क्या मैं खराब खेलता हूँ क्या? एशिया में रैंक है मेरा, मेरे से बेटर खेलता है वो, 8 रैंक है उसका एशिया में पायलट नितिन। और भी बंदे हैं उस तरह से, शी क्लैश हैं, 404 वाले हैं। गेम गेम होता है। बात रही इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, ये कम्युनिटी वालों को तभी प्रॉब्लम शुरू हुई है जब कोई आगे निकल जाता। देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो, इसी स्टोरी के साथ हम एंड करूँगा और मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है? एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो, ओनली वन स्टोरी। एक बार केकड़ा पकड़ा गया, ठीक है, बहुत सारा केकड़ा पकड़ा गया, उसको खुले बर्तन में रख दिया एक आदमी। तो दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि हे मेरे भाई, को खुले बर्तन में क्यों रख दिया केकड़े को, भाग नहीं जाएंगे? बोला जनाब ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, क्या एक चढ़ेगा ना तो दूसरा उसकी टांग खींच दे, कोई नहीं चढ़ पाएगा, आप खुले में रहने दो, कोई नहीं चढ़ेगा ऊपर, क्यों? क्योंकि एक चढ़ेगा तो 4 उसकी टांग खींचेंगे। यही हाल है भाई इंडिया का, इसलिए साला ग्रोथ नहीं होता है। एक कोई बढ़ रहा है तो लग गए उसके पीछे, अबे बढ़ने दो, में किसी कितना मेहनत करता है, कितना अच्छा खेलता है वो, पबजी पीसी उससे भी ज़्यादा कम खेला है क्या, 2000 घंटा से ऊपर खेला है, पढ़ने दो ना लड़के को, इतना नाम रोशन करेगा। प्यूडीपाई से आगे निकल गया है, कोई माइकल लाल निकला था क्या प्यूडीपाई से आगे वॉचिंग में? डायनामो की वॉचिंग प्यूडीपाई से ज्यादा आती है टाइम में, चलन तो वही है ना, वर्ल्ड में बेस्ट हो गया ना। 10,000 की वॉचिंग में नहीं लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जब 1,00,000 की वॉचिंग जाती है तो लोगों को लगने लगेगा बुरा, अंदर में जलन होने लगती है। ये जलन को छोड़िए सर, आगे बढ़िए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए अपना, बड़ा दिल बड़ा कीजिए
बहुत अच्छा रहेगा किसी भी गोली डंडा खेलने में स्किल चाहिए साला, एमुलेटर और वो तो बहुत दूर की बात है। चलो ठीक है, मेरे को भी बहुत दिन से बनता है ऐसे मेरे को बात तो ज्ञान देने का।